अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं सुबह अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सोहरावर्दी के साथ। आज हम अंदर की बात जानेंगे कि केपी के असेंबली टूटने के बाद क्या केपीके में फौरी इंतखाबात मुमकिन है या नहीं, और 17 दिसंबर को इमरान खान लिबर्टी चौक में क्या ऐलान कर सकते हैं, और इसके अलावा कि तहरीके इंसाफ केपीके में दहशतगर्दी और बत्ताहोरी को कंट्रोल करने में नाकाम क्यों है, और ताजरों को आखिरकार इमरान खान को खत क्यों लिखना पड़ा, इसी हवाले से आज हम बात करेंगे मुजम्मिल साहब से। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आज हमने सोचा कि आज हम आपसे अंदर की बात जानते हैं केपी के असेंबली के हवाले से। ये बताएं कि केपी के असेंबली अगर टूटती है तो क्या वहां पर फौरी इंतखाबात मुमकिन है, क्योंकि वहां पर तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत है। देखिए, ये एक अजीब बात है, पंजाब में चौधरी परवेज लाई असेंबली तोड़ने में रुकावट है और केपी में इंतखाबात होना मुमकिन नहीं है। इमरान खान को ये समझाया जा रहा है कि इस वक्त केपी के जो हालात हैं उसमें वहाँ सूबाई असेंबली के इंतखाबात फौरी तौर पर मुमकिन नहीं है, लिहाजा अगर आप वहां पर आज असेंबली तोड़ देंगे तो जो निगरान सेटअप आएगा वो एक लंबे अरसे के लिए आएगा। उसकी वजह है कि केपी में दहशतगर्दी ने सर उठा लिया है, रोजाना वहां दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, हत्ता के दो वजीरों के घर भी दस्ती बम से हमला हो गया है, भत्ताखोरी की शिकायत है, ताजरों ने भत्ताखोरी के लिए हुकूमत से कहा है कि हमें जो भत्ता नहीं देता उसके घर हमला हो जाता है, पुलिस पर हमले हो रहे हैं, तो एक जंग का माहौल है इस वक्त केपी में। पुलिस अपनी जगह डरी हुई है, जो एमल वली खान को एएनपी के जो सरबराह हैं उनको धमकी अमेज आए हैं, बाकी मुराद सईद साहब धमकियों से डर के अस्पताल में दाखिल हो गए हैं क्योंकि उनकी जान को भी खतरा है। वजीर आला केपी के बारे में कहा जाता है कि वो अपने इलाके में नहीं जा सकते, उन्होंने अपने इलाके में जाने के लिए भत्ता दिया है। बहुत से वजरा के बारे में ये है कि वो दहशतगर्दों की तंजीमों की वक्त खौफ की वजह से अपने इलाकों में नहीं जा सकते, लिहाजा अगर आज केपी असेंबली टूटती है और वहाँ दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ जाते हैं तो वहाँ इंतखाबी मुहिम ही नहीं चलाई जा सकेगी, तो वहाँ इंतखाबात के मुलतवी होने के ज्यादा इम्कान हैं पंजाब से। फिर ये भी हो सकता है कि चूंकि केपी में मुलतवी हो रहे हैं तो पंजाब में हो जाएं, तो जो इमरान खान साहब ये समझ रहे हैं कि केपी तो उनकी होम ग्राउंड है, केपी में उनकी अक्सरियत है, केपी की असेंबली वो जिस वक्त चाहे तोड़ दें, केपी में अगर वो दोबारा इंतखाब होगा तो वो जीत जाएंगे, तो केपी में इंतखाब होना इस वक्त अमली तौर पर मुमकिन नहीं है। तो लिहाजा इमरान खान साहब को ये समझाया जा रहा है कि आप पंजाब के साथ साथ केपी की फिक्र करें, अगर केपी की असेंबली टूटती है तो वहाँ इस वक्त 90 दिन में दोबारा इंतखाबात मुमकिन नहीं है। दहशतगर्दी के जो वाकयात हैं, दहशतगर्दी जिस तरह टारगेट कर रही है रोजाना, पर ये तो एक दूसरा एस्पेक्ट है ना। पिछले दिनों खबरें आ रही थी, उनके तर्जमान ने भी कहा था केपीके ने कि हमारे वज़रा जो है वो इस पे इख्तलाफात का शिकार है, हम असेंबली नहीं तोड़ सकते, पहले पंजाब की टूटेगी तो फिर हम तोड़ेंगे। देखिए, वो तो एक पॉलिटिकल बात है कि पहले पंजाब की टूटेगी क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी कुर्बानी रायगा चली जाएगी अगर उन्होंने तोड़ दी, और बाद में केपी में इंतखाब भी ना हुआ तो हुकूमत भी चली जाएगी और मेरा मतलब है कि कुछ हासिल भी नहीं होगा। तो अभी तो ये भी सवाल भी है कि पंजाब तोड़ के भी कुछ हासिल होगा या नहीं होगा, उस पर फिर अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन आज केपी में देखिए ना, अब जो केपी में इस वक्त दहशतगर्दी है इसका इंतखाबात पर क्या असर होगा? पर तहरीक इंसाफ तो गुड गवर्नेंस के नारे लगाती है कि केपीके में जितनी अच्छी गुड गवर्नेंस है किसी और सूबे में कोई और पार्टी जो है वो कायम नहीं कर सके। देखिए, जो केपी में दहशतगर्दी वापस आई है, जो दहशत पीटीपी और दूसरे दहशतगर्द वापस आए हैं, केपी के लोग समझते हैं कि पीटीआई और जनरल फैज इन्हें मिलकर वापस लेकर आए। जब जनरल फैज कोर कमांडर पिशावर थे उस वक्त काबुल की फाइल भी उनके पास थी, टीटीपी से मुजाकरात भी वो कर रहे थे, उन मुजाकरात के दौरान ही टीटीपी वालों ने वापसी दी, 500 लोग उनके वापस आए, उन्होंने रीग्रुप किया, उन्होंने अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाए, अपना नेटवर्क दोबारा बनाया, जिसकी वजह से आज केपी जो है दहशतगर्दी में है। या जो केपी का आम वोटर है वो ये समझता है कि इमरान खान और जनरल फैज ने दोबारा मिलकर केपी को दहशतगर्दी की जंग में झोंक दिया है। वो दहशतगर्दी जो टीटीपी को निकाल कर, दहशतगर्दों को निकाल कर जिनको शिकस्त दे दी गई थी, उसको जनरल फैज और इमरान खान वापस ले आए हैं।
लिहाजा ये कोई आसान नहीं होगा अगला इलेक्शन, क्योंकि अगर अगला इलेक्शन दहशतगर्दी की इस लड़ाई में होता है और सवाल ये होता है कि टीटीपी को वापस कौन लाया है, तो फिर तो उसका गुस्सा सारा इमरान खान पे और पीटीआई पे उतर जाएगा कि आप और जनरल फैज इसको वापस लेकर आए। फिर देखे ना, एमल वली खान भी कहेंगे कि ये वापस लेकर आए। दूसरी बात ये है कि जो दहशतगर्द हैं वो इस वक्त बहुत ज्यादा मुनज्जम हो गए हैं केपी में, सवात में जो, और दूसरी जगहों पे जो दहशतगर्दों के खिलाफ अवामी इस्तेमाल हुए हैं उन पर तहरीक इंसाफ के कायदीन को स्टेज पे नहीं चढ़ने दिया गया, क्योंकि उन्होंने इमरान खान को जो हत लिखा है उसमें ये शिकायत भी की है कि हमारे घरों में दस्ती बम भी फेंके जा रहे हैं और हुकूमत अब वुजरा के घरों में दस्ती बम फेंके जा रहे हैं, वुजरा आवाज नहीं निकाल रहे, वो उसकी FIR कटाने नहीं पहुंच रहे कि हमारे घरों पर दस्ती बम फेंके जा रहे हैं, पेशावर के ताजर भत्ता ना दें तो दस्ती बम फेंके जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जब केपी पूरा दहशतगर्दी के दहाने पे आकर दोबारा खड़ा हो गया है, वहां एक बड़े ऑपरेशन की जरूरत है, ऐसे में वहां सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात मुमकिन नहीं है। लिहाजा अगर इमरान खान केपी की असम्बली तोड़ते हैं तो वहां लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, अमनो अमान की वजह से वहां सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात में बहुत ताखीर हो जाएगी, और वो हो सकता है कि कौमी असम्बली के इंतखाबात के साथ ही हों और जो निगरान हुकूमत है वो लंबी चले, क्योंकि पहले दहशतगर्द अमन होगा तो इंतखाब होगा, बगैर अमन के कैसे इंतखाब हो सकता है। अभी आप कराची के ज़मीनी इंतखाब बल्दियाती इंतखाबात में देख लें, हुकूमत ने ये प्ली ली है कि हमारे पास सैलाब की वजह से पुलिस फोर्स नहीं है तो हम ज़मीनी वहां बल्दियाती नहीं करा सकते, तो दो दफा डिले हो गया है और अब भी जनवरी की डेट है। तो अगर कराची केपी में पुलिस ने कहा कि हम अमन अमान की वजह से ये नहीं दे सकते इलेक्शन की ड्यूटियां, और खतरा है वहां कोई लीडर कैंपेन नहीं कर सकेगा, वहां कोई इंतखाबी जलसा नहीं हो सकेगा, वहां बड़े वाकयात हो गए, तो बगैर कैंपेन के बगैर मुहिम के कैसे इंतखाब होंगे। लिहाजा जो अब तक की इतलात हैं वो ये हैं कि अगर केपी की असेंबली टूटती है तो वहां फौरी इंतखाबात मुमकिन नहीं है। वो तो इसीलिए आप देखेंगे कि फवाद चौधरी साहब ने भी कहा है एक लंबी निगरान हुकूमत की बात हो रही है, तो अगर केपी में लंबी निगरान हुकूमत बननी है तो फिर पंजाब में बन जाएगी। पर सागदार साहब ने रात को एक निजी प्रोग्राम में इंटरव्यू देते हुए कहा है कि उन्होंने कहा है कि इंतखाबात से कबल जो है मर्दमशुमारी होना भी एक बहुत बड़ा मसला है। अगर वो तो कम इंतखाबात से कबल है, क्योंकि मर्दमशुमारी होनी चाहिए, पिछले इंतखाबात आरजी मर्दमशुमारी पे हुए थे, वो नतीज पे बहुत सारे तहफात हैं, नई डिजिटल मर्दमशुमारी का ऐलान हो गया है, उसके बाद ही नई हल्का बंदियां होंगी, तो वो तो अगले साल अक्टूबर तक हुआ है, वो एक प्रोसेस अपनी जगह मौजूद है, लेकिन पुरानी मर्दमशुमारी पे भी इंतखाब हो सकता है। अगर अभी ये जो हल्कों के इंतखाब हो रहे हैं वो तो उसी पे ही हुए हैं, लेकिन इसीलिए कहा जा रहा है कि फिलहाल लोगों का बहुत फोकस है पंजाब पर, ये चौधरी परवेज इलाही तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे, पंजाब में इंतखाब होगा या नहीं होगा, क्या नून लीग पंजाब में इंतखाब करा सकती है नहीं करा सकती है, फेडरल गवर्नमेंट क्या सोच रही है। केपी का मसला उससे भी गंभीर है, यानी केपी के भी केपी के वाले भी जो है पंजाब की तरफ देख रहे हैं, पंजाब की तरफ भी देख रहे हैं, केपी के अपने हालात ऐसे नहीं है कि वहां पे इंतखाबात हो सके। केपी के अमन अमान की सुरताल और दहशतगर्दी की वजह से वहाँ इस वक्त इंतखाब मुमकिन नहीं है, और फिर पीटीआई की पॉपुलैरिटी भी गिरेगी जैसे जैसे दहशतगर्दी ऊपर जाएगी, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि आप इनको वापस लाएं। अच्छा, आपने पॉपुलैरिटी की बात की केपी के में तहरीक इंसाफ की, आज केपी के गवर्नर ने जो है वो परवेज लाई साहब को कॉल की है और उनसे पीटीआई के जो लोग हैं उनकी शिकायत वगैरह की है, उन्हें कहा जब मैं गवर्नर बना केपी के मुझे किसी ने मुबारकबाद नहीं दी और उसके बाद अब मेरे 6 माह रह गए हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं 6 माह में कुछ काम करूँ, तो ये ताऊन और कम्युनिकेशन की अदम दस्तयाबी इसको आप कैसे देखते हैं पार्टी के अंदर केपी के? मेरा ख्याल है वो कोई राबता है, इस वक्त जो परवेज इलाही साहब है ना वो थोड़े आइसोलेटेड भी हैं, पीडीएम से उनके दरवाजे सारे बंद हो चुके हैं, इमरान खान के साथ वो बंद गली में है, इसलिए वो अपने मौलाना फजलुर्रहमान साहब से राबते बहाल करने के लिए उन्होंने केपी के गवर्नर से राबता किया होगा, वरना इस क्योंकि वो समधी हैं मौलाना फजलुर्रहमान के, वो सिर्फ केपी के गवर्नर नहीं है, वो मौलाना फजलुर्रहमान के समधी हैं
और इसलिए वो समझा जाता है कि मौलाना के बहुत करीब है। परवेज लाई का मौलाना केपी के गवर्नर हाजी गुलाम अली से रابطے का मतलब है कि वो मौलाना फजल रहमान से अपने रابطے बहाल करना चाह रहे हैं और उनसे को बैक चैनल कोई पैगाम देना चाह रहे हैं, वरना उन्हें केपी के गवर्नर को फोन करने की कोई जरूरत नहीं थी। वो को मौलाना फजल रहमान क्योंकि इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट से कुछ नाराज भी हैं, वो रेकोडेक के सूट पे, तो उसमें परवेज लाई सब अपने लिए को बात करने की कोशिश कर रहे होंगे पीडीएम में या दूसरी तरफ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कुछ केपी के एमपीएस की शिकायत उन्होंने परवेज लाई से लगाई होगी। वो असल बात तो उन्होंने की परवेज लाई ने मेरे ख्याल मौलाना फजल, क्योंकि एक दौर में मौलाना फजल रहमान और चौधरी बरादरान के बहुत करीबी ताल्लुक। पहले जब मौलाना ने धरना दिया तो तब चौधरी बरादरान के सर पर ही सेरा रखा, उनके जरिए मुजाकरात किए और वही बीच में मीडिएट किए। उसी वक्त तो चौधरियों की सियासत दोबारा जिंदा हुई कि मौलाना ने उनके जरिए मुजाकरात किए, एक नई रूप फूंकी उन्होंने चौधरी परवेज लाई और चौधरी शुजात में कि उनके जरिए मुजाकरात किए और वो पॉलिटिकल लाइमलाइट में वापस आए। तो एक बार लेकिन इस वक्त बहुत अरसे से एक डेडलॉक भी है जरदारी साहब से, फजल रहमान से, तो परवेज लाई अपना वो डेडलॉक तोड़ना भी चाहते हैं, तो इसलिए उन्होंने केपी के गवर्नर से बात की है। अच्छा, राणा सुनावला साहब ने फरवरी और मार्च की बात की है कि कहीं इमरान खान साहब जो है वो ये असेंबली तोड़ने की डेट जो है फरवरी और मार्च में तो नहीं लेके जा रहे, तो ये क्या इमरान खान साहब फरवरी और मार्च का बहुत इम्कान है इमरान? वैसे तो देखें ये इशारे दिए जा रहे हैं कि जी वो 23 दिसंबर की डेट देंगे, लेकिन चौधरी बरादरान की तरफ से परवेज लाई वगैरह की तरफ से है कि जी दिसंबर में तो बिल्कुल नहीं तोड़ी जा सकती और दिसंबर में हमारा तोड़ने का कोई इरादा नहीं है, हम इमरान खान से मोहलत मांगेंगे। तो इस बात का इम्कान मौजूद है कि इमरान खान साहब कहेंगे कि बस मैंने 3 माह की मोहलत दे दी है और 3 माह बाद की एक डेट दे देंगे कि फला डेट को टूट जाएगी, इसलिए सब फरवरी मार्च की बात कर रहे हैं कि फरवरी मार्च में टूट जाएगी। उसके बाद कोई मई में इंतखाबात की बात की जा रही है कि मई में इंतखाबात के लिए बात की जाए, तो 3 माह इसको आगे लेके जाए जाए इस टर्मोइल को। लेकिन ये फॉर्मूला जो डारल भी मुजाकरात में भी तय बातचीत हुई है कि चीजों को 3 माह पहले आगे लेके जाया जाए लेकिन इसको अनरिटर्न रखा जाए, गवर्नमेंट इस पर कोई वाज़े मौकफ नहीं देना चाहती है, इमरान खान साहब इस पर वाज़े अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, गवर्नमेंट का मौकफ है कि आप 3 माह चीजों को आगे लेके जाएं, हमारे सर पे से बंदूक हटाएं, उसके बाद चीज आप पार्लियामेंट में आए फिर बात करते हैं। इमरान खान का मौकफ है कि आप पहले ऐलान करें फिर मैं करूंगा। तो ये पहले आपकी जो लड़ाई है डार और अलवी मुजाकरात में ये अभी कहीं तय नहीं हुई है। इमरान खान साहब पीडीएम पर इतबार करने को तैयार नहीं, पीडीएम इमरान खान पर इतबार करने को तैयार नहीं, ये 25 मई को भी हुआ था। अच्छा, इमरान खान साहब ने कल जो खिताब किया है उन्होंने उसमें कहा है कि मेरी दरख्वास्त है कि न्यूट्रल जो है वो न्यूट्रल ही रहे, तो उनको ये क्यों कहना पड़ा? न्यूट्रल न्यूट्रल नहीं है, देखिए पाकिस्तान के जो एस्टेब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान के मामलात से न्यूट्रल नहीं हो सकती, और इस वक्त जो पाकिस्तान में सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, कोई ये समझे कि वो न्यूट्रल हैं, वो ये तो हो सकता है कि उन्होंने अपनी विजिबिलिटी कम कर दी हो। बाजवा साहब के दौर में विजिबिलिटी बहुत ज्यादा थी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनकी इन्वॉल्वमेंट या उनकी मॉनिटरिंग या उनकी इंटरफेरेंस कम हुई है पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक मामलात में। उनकी राय और उनकी जो है मुआवनत के बगैर कोई भी हुकूमत आगे नहीं चल सकती। सूबाई असेंबलियां टूटने में भी एस्टेब्लिशमेंट का एक रोल होगा बचाने और टूटने में, अगर ये टूट जाती हैं उसके बाद, अगर उसके बाद का जो स्क्रिप्ट है उसमें भी एस्टेब्लिशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगी, उससे पहले का जो स्क्रिप्ट है उसमें भी एस्टेब्लिशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इमरान खान साहब अब कह रहे हैं कि वो न्यूट्रल हो जाएं, क्योंकि इमरान खान साहब को भी अंदाजा है कि वो उनके लिए, पहले इमरान खान साहब की का मौकफ था कि मेरे साथ आ जाएं, अब इमरान खान साहब को ये डर है कि मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं आ सकती, चलो उनके साथ ना हो ठीक है ना, लेकिन मेरे ख्याल में इन दी एंड ये सिस्टम चलाना इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी बन गया है और इस वक्त वो मुल्क को आम इंतखाबात की तरफ नहीं लेके जा सकते, लिहाजा जो भी होगा एस्टेब्लिशमेंट मुल्क को अगले अक्टूबर तक चलाना चाहेगी इस तरह। अच्छा, आखिरी सवाल ये बताएं कि लिबर्टी चौक में 17 दिसंबर को इमरान खान क्या ऐलान कर सकते हैं? उन्होंने कहा मैं असेंबलियां तोड़ने की डेट दूंगा, आपको लगता है कि वो डेट देंगे या सिर्फ तारीख पर तारीख ही देंगे? ये बड़ा मिलियन डॉलर क्वेश्चन है,
देखिए इमरान खान साहब ने 26 नवंबर को भी एक माहौल बनाया था कि वो इस्लामाबाद चले जाएंगे और उठेंगे नहीं, और बड़ी लड़ाई लड़ी उन्होंने कानूनी। 25 मई को भी उन्होंने माहौल बनाया था कि वो पहुंच जाएंगे और कुछ करेंगे। उसके बाद भी उन्होंने डेडलाइन से, उनकी तारीख डेडलाइन से भरी हुई है। वो हाइप बनाते हैं, मीडिया हाइप बनाते हैं और उस मीडिया हाइप को फिर कैश करते हैं। तो इसलिए अब उन्होंने 17 की एक मीडिया हाइप बना ली। 26 नवंबर को उन्होंने असेंबली तोड़ने का, मिशन निकलने का ऐलान किया और देखें 17 तक उसको खींच लाए। मुशावरत 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 करते करते 20-21 दिन, 3 हफ्ते उन्होंने गुजार लिए। अब उन्होंने आगे अगर टाइम गुजारना है तो उन्होंने इसको एक हसीन मोड़ देना है। क्या वो 17 को ये ऐलान कर देंगे कि 23 को हम तोड़े हैं या फरवरी मार्च पे जाएंगे? मेरी राय ये है कि फरवरी मार्च पे जाएंगे। मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि लोग इमरान खान के बारे में ज्यादा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन मेरी राय है कि फौरी तौर पर तोड़ने के लिए इमरान खान को बहुत से ये समझाया जा रहा है कि इसमें आपका काफी नुकसान है अगर आप तोड़ते हैं, इस वक्त जीत भी नहीं सकते, चौधरी भी नहीं साथ हैं, केपी के हालात भी ऐसे नहीं है। तो लिहाजा ये लग रहा है कि केपी को भी सामने रखते हुए, पंजाब को भी रखते हुए, वो ना तोड़ने की तरफ ही जाएंगे। थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब, आज आपने इतनी सारी हमें अंदर की बातें बताई। कल तो पंजाब असेंबली को डिस्कस किया था, आज हमने केपीके को डिस्कस किया, फिर उसके बाद 17 दिसंबर के हवाले से। थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब ने हमें बताया है आज खास तौर पे अंदर की बात कि इमरान खान साहब का असेंबली तोड़ने का 17 दिसंबर को कोई इरादा नहीं है और वो तारीख पर तारीख देने का इरादा ही रखते हैं, क्योंकि उन्हें उन्हें भी नजर आ रहा है कि सिचुएशन में असेंबलियां तोड़ना या निजाम का दरहम बरहम होना उनके अपने लिए भी नुकसानदायक है। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।